सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर सत्ता में आए बीजेपी के लिए ट्विटर भस्मासुर बनता जा रहा है। हाल तक ट्विटर केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के निशाने पर था, तो अब प्रसाद ट्विटर के निशाने पर है। ट्विटर ने एक घंटे के लिए प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। एक घंटे तक ब्लॉक रखने के बाद उनका अकाउंट एक चेतावनी के साथ शुरू किया गया। रविशंकर प्रसाद को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में उनके अकाउंट के खिलाफ कोई और नोटिस मिलता है तो उनका अकाउंट फिर से ब्लॉक हो सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ट्विटर की इस हिमाकत से हक्का बक्का हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने साथ हुई इस कारस्तानी की जानकारी दी। प्रसाद ने कहा कि अकाउंट एक्सेस की कोशिश करने पर ये बताया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। अब संचार मंत्री इसे आईटी रूल्स के नियम 4-8 का उल्लंघन बता रहे हैं। बहरहाल ट्विटर पर हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने चेतावनी का जवाब चेतावनी से दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्लेटफॉर्म को आईटी कानूनों को मानना होगा और इससे कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों को नए आईटी रूल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति और देश के कानूनों के अनुपालन का दबाव रास नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक ट्विटर समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरीज के रूप में कानूनी संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सरकार नए आईटी रूल्स पर अमल संबंधी जानकारी तय समय में उपलब्ध न कराने का आरोप लगा रही है। ऐसे में यूपी पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को सम्मन किया है। कर्नाटक की अदालत ने महेश्वरी को राहत देते हुए यूपी पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का निर्देश दिया है, लेकिन ट्विटर के तेवर अब भी तीखे हैं। हाल ही में संचार मामलों से जुड़ी संसदीय समिति ने भी ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया था, जिसमें ट्विटर ने कहा था कि वो सिर्फ अपने नियमों को मानते हैं। समिति ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको देश का कानून मानना होगा। बहरहाल ट्विटर देश की राजनीति में अपनी ताकत को आंक चुका है, इसलिए अमेरिका की संसदीय समिति के सामने मिमियाने वाला ट्विटर भारत सरकार की बांह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने जिस तरह से फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों के साथ गलबहियां की थी, उससे इन कंपनियों का दिमाग सातवें आसमान पर है। हालांकि ट्विटर पर आरएसएस से जुड़ी एक संस्था सेवा इंटरनेशनल को कोरोना से लड़ने के लिए दान दिया गया था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा था कि सेवा इंटरनेशनल एक हिंदू आस्था आधारित मानवीय और गैर लाभकारी सेवा संगठन है। बहरहाल ट्विटर धार्मिक आस्था का सम्मान करने को तैयार है, लेकिन देश के कानूनों से उसका इनकार है। ब्यूरो रिपोर्ट।